हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे अपने वेबसाइट और ब्लॉग्स को और भी सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसके लिए आपको कोई भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो और भी मैं बताऊंगा आप कैसे फ्री में SSL सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, यानी आपके वेबसाइट HTTP होगा उसको कन्वर्ट करके आप HTTPS कर सकते हो। तो कैसे बनाते हैं इसके लिए आपको पूरे वीडियो देखना होगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आपके वेबसाइट को और भी सिक्योर करने के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगा। वेबसाइट का नाम है क्लाउडफ्लेयर। इस वेबसाइट का नाम आप सुने होंगे पहले से, जो भी नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूँ कि क्लाउडफ्लेयर एक ऐसी साइट है, ये आपको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आपके वेबसाइट में जो भी ट्रैफिक आएगा पहले क्लाउडफ्लेयर में जाएगा और क्लाउडफ्लेयर आपके पास वो चीज़ भेज देगा। तो ऐसे ये काम करते हैं। तो ये आपको HTTPS भी प्रोवाइड करते हैं। तो देख सकते हो ये कैलिफोर्निया की एक साइट है। तो इस पे पहले आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करना बहुत इजी है, जस्ट आपके ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और साइन अप हो जाएगा। मैं ईमेल एड्रेस दे दिया हूँ। उसके बाद इस पे आप पासवर्ड डालेंगे और साइन अप पे आप क्लिक करिए और आप जिस ईमेल आईडी पे आप रजिस्टर किए हो उस ईमेल आईडी को खोल लीजिए। तो मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद ये जो क्रिएट अकाउंट, इस पे आप क्लिक करिए और एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा। तो पहले मैं साइट को दिखा देता हूँ। मेरा साइट HTTPS नहीं है, HTTP है। तो देख सकते हो ऊपर में नॉट सिक्योर, यानी HTTPS नहीं है। तो इसको मैं HTTPS करूँगा। सो फ्रेंड, देख सकते हैं मेल आ गया है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे खोल सकते हैं। तो मैं वेरीफाई लिंक पे ही क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं उसके साइड में रिडायरेक्ट हो गया है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ईमेल नाउ वेरीफाइड ये दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में जाएंगे, ऐड साइट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपके वेबसाइट जो भी है उसका नाम दे दीजिए। तो मैं इसको ही दे देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं mywebsite.com, यानी आपके वेबसाइट का एड्रेस इस पे पेस्ट कर दीजिए और HTTP को काट दीजिए। तो ऐसे होगा। तो आपके वेबसाइट .com है तो .com भी दे सकते हैं। तो उसके बाद ऐड साइट पे आप क्लिक करिए। तो दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ DNS सेटिंग करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करिए। कुछ चीज़ यहाँ पे है वो आप पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्लान हैं, तो आपको फ्री का चूज़ करना है। तो आप फ्री में करेंगे तो भी सिक्योर रहेगा। तो इसका जो सिक्योरिटी आपको फ्री में प्रोवाइड करेगा और प्लान इसका लेंगे तो अलग सा इसका फीचर आपको देगा। तो कन्फर्म प्लान पे क्लिक करिए और कन्फर्म कर दीजिए। तो दोस्तों, इस पे देख सकते हैं इसका सिंबल ऐसा दिखेगा, यानी क्लाउडफ्लेयर पे कनेक्टेड है और ये देखेगा तो ऑफ क्लाउडफ्लेयर है। तो आपको ऐसा करना है, ये जो सिंबल है इसका मतलब है एक्टिव हो गया है पर पूरी तरह नहीं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं फास्ट में आपको 2 IP मिलेगा, यहाँ पे एक, उसके बाद ए 2 IP आपको मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। ये जो IP आपको होगा ये आपका होस्टिंग सर्वर का IP है, तो आपको चेंज करना है क्लाउडफ्लेयर ID के साथ। तो आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर का 2 IP उन्होंने दे दिया है, उसका मेन सर्वर का जो भी IP एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ गया है। तो आपको इसको कॉपी करके आपके डोमेन का जो नेम सर्वर है उसी सर्वर पे आपको इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए आप GoDaddy से डोमेन खरीदिए तो उसको खोल लीजिए। उसके बाद इस पे DNS का सेटिंग है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। देख सकते हैं DNS। उसके बाद जो एक पेज खुलेगा, नीचे आपको नेम सर्वर को चेंज करना है। जो देख सकते हैं नेम सर्वर, इसको चेंज करके आप पहले से जो भी चीज़ दिए हो उसको चेंज करके ये जो कस्टम है यहाँ पे क्लिक करिए और नीचे उसी जो एड्रेस है उन्होंने प्रोवाइड करे है उसी एड्रेस को कॉपी करके एक एक करके बैठा दीजिए। तो मैं इस साइट पे डोमेन खरीदिए हो तो होस्टिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो डोमेन है माई डोमेन,
इस पे क्लिक करिए। तो मैं इस साइड से ही आपको दिखाता हूँ, तो इस पे आप क्लिक करिए। ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे आपको चेंज करना है नेम सर्वर। नेम सर्वर को चेंज करने के लिए यहाँ पे नेम सर्वर यहाँ पे है, ये जो दो चीज़ है इसको आपको चेंज करना है। तो इस पे जो भी उन्होंने दे दिया है इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ पे दे दूँगा। उसके बाद चेंज नेम सर्वर, इस पर क्लिक करिए। और आपका गोडैडी से हो तो गोडैडी से भी आप कर सकते हैं इसी तरह। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं चेंज सेव सक्सेसफुली, यानी सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये तैयार हो गया है। तो कुछ फीचर आपको ऊपर में मिलेगा, देख सकते हैं बहुत सारे फीचर है। तो आपको इस पे एनालिसिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब है आपके वेबसाइट में जो भी ट्रैफिक आएगा इस पे आपको ग्राफ दिखेगा उसका। तो इस पे DNS का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। आपका काम का चीज़ है आपको HTTPS पे कन्वर्ट करना है। HTTPS पे कन्वर्ट करने के लिए जो क्रिप्टो है इस पे आप क्लिक करिए और इस पे आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा। तो उसको करने के लिए देख सकते हैं इस पे, और ऑलवेज HTTPS इसको आपको ऑन करना है नीचे। और इस पे कहीं पे भी आपको छेड़ना नहीं है, सारे चीज़ ऐसे ही रहने दीजिए। तो इस पे एक और भी एक अच्छे ऑप्शन है स्पीड का, जो स्पीड पे आप क्लिक करेंगे। स्पीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे को टिक करना है, इससे आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड और भी कम हो जाएगा। गूगल की नज़र से आपके साइट बहुत जल्दी से रैंक करेगा। तो ये सब करने के बाद ऐसे ही रहने दीजिए और आपके वेबसाइट को आप रिफ्रेश करिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको 24 आवर्स वेट करना होगा, उसके बाद ही आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट्स ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हैं एनालाइज कर रहा है ऑथेंटिकेटिंग सर्टिफिकेट। तो 24 आवर्स टाइम देंगे, देख सकते हैं इस पे लिखा भी है 24 आवर्स लेगा आपके पास, उसके बाद ही ये एक्टिव होगा। तो तब तक वेट कीजिए आप। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट ऐड हो गया है 24 आवर्स के बाद। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में फ्री में SSL सर्टिफिकेट को ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू एंड गुड बाय।